वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। तो जैसे मुंह वैसा चपेड़, ऐसे होते ना, जैसे मुंह वैसी चपेड़, जैसे जैसा मुंह वैसी चपेड़। अच्छा ठीक हो गया, वो थोड़ा मुजक्कर मोनस का मसला हो गया। अच्छा, अब ये मसला ये है कि पाकिस्तानियों ने पहले ग्रीन कार्ड के लिए जो स्कैम किए लड़कियों के साथ, वो तो वर्ल्ड उन्होंने तो तौबा कर ले भाई। पाकिस्तानी लड़कों का नाम सुनते ही गोरियों को गुस्सा चढ़ रहा है। इतनी गोरियों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं इन लड़कों ने। पहले उनको प्यार का झांसा दिया। हमारे मोहल्ले में भी तो एक लड़का ना गोरी से शादी करके लेके आया। पहले तो दो दिन वो गोरी को मतलब के लोग देखने आए, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या किया, शादी के 2 महीने बाद उसे तलाक दे दी पाकिस्तान जब वो उसे लेके आया। डिवोर्स की वजह क्या थी, उसको वहां की नहीं करते। तो ये पूरे यूरोप में ये काम हो रहा है और सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग हैं उनके खिलाफ उनका गुस्सा बढ़ा रहा। जबरदस्ती पाकिस्तानी कौम की आंखों के ऊपर, दिमागों के ऊपर काला कपड़ा लपेटा जा रहा है। बेसिकली हमारे साथ जो हो रहा है ना, हमारे साथ बेसिकली कुत्ते वाली हो रही है। वो जो पंजाबी की कहावत है कुत्ते वाली होना, वो हमारे साथ हो रही है। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है, दिल तो मेरा ये करता है, गुस्सा आता है, बॉम्ब लेके ना ब्लास्ट कर दो, बस खत्म कर दे। यही वजह है कि जो इस कौम के मोहसिन है वो इस कौम के ऊपर जो है वो लानत भेज के आगे बढ़ जाते हैं। अगर मुसलमानों में इत्तेफाक होता तो आज ये मसले होते ही ना, आज ये इंडिया उनकी माँ ना बनता, पाकिस्तान उनकी माँ बनता। बैग में बॉम्ब लेके जाऊंगा ज्यादा साले। ओ भाई, तू तो चलता फिरता एकदम बॉम्ब है, मुझे तो लगता है यहीं पे फट जाएगा। इंडिया पर ब्लास्ट कर देना, सबको मार देना, या मुसलमान बन जाए या एक मुसलमानों को मारना छोड़ दे। इज दिस द काइंड ऑफ कल्चर दैट यू आर प्रमोटिंग? इज दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू शो? हर बार बोलते कि हम में जज्बा बहुत है, मुझे यही समझ नहीं आया जज्बा किस चीज का है। जज्बा मरने और मारने का है? कभी इस तरह का भी तो जज्बा होना कि मैंने ये चीज बना के दिखानी है, मैं वहां तक ले जाना इस काम को। एक पाकिस्तानी की वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि एक घर में खिड़की के ऊपर आके, खिड़की के सामने आके उसने मुश्तजनी शुरू कर दी और वहां पे उसका फवारा भी निकल गया और वो लड़की ने पूरा फिल्म किया। तो इस तरह की हरकतें वहां पे हो रही हैं। सिर्फ जज्बा है कि हम 5 हिंदुओं को, 1 या 10 हिंदुओं के लिए 1 मुसलमान बहुत, ये जज्बे खत्म होने चाहिए मेरे ख्याल, मेरी नजरों में। नमस्कार दोस्तों, एक वीडियो पूरे सोशल मीडिया में काफी टाइम से वायरल हो रही है। ये 30 सेकंड्स का वीडियो अमेरिका से आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे एक अमेरिकन लड़की ने वीडियो बनाने वाले व्लॉगर को मुस्लिम समझ लिया और उसे खड़ी खोटी सुनाने लगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि व्लॉगर हिंदू है, उसने उसे गले से लगा लिया और उसे अपने फैमिली मेंबर जैसे ट्रीट करने लगी। दिस वीडियो शोज कि इंडियंस की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट है बाहर देशों में, खासकर हिंदुओं की। और दूसरी तरफ आज हर एक वेस्टर्न कंट्रीज में इमिग्रेंट्स, खास करके जो मुस्लिम देशों से हैं, जैसे कि पाकिस्तान से आए हैं, उन्हें बाहर फेंका जा रहा है, क्योंकि वह उनके देश में आकर उनके कल्चर को ना सीखकर इस्लाम को बढ़ावा देने में लग जाते हैं और उन लोगों पर अपने कल्चर को इम्पोज करते हैं। इसीलिए अब चाहे यूके हो या जर्मनी, हर जगह इन्हें निकाल कर फेंका जा रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? दिल तो मेरा ये करता है, गुस्सा आता है, बॉम्ब लेके ना ब्लास्ट कर दूं, बस खत्म कर दे। मुझे इंडिया बहुत ही बुरा लगे, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं और उनको मार देते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ उनको बॉम्ब लेके ना मार दे, फाड़ दे इनको। इतने जहरीले और खतरनाक ख्यालात जी, आपका क्या ख्याल है इंडिया को लेके? जब इंडिया का नाम सुनते हो तो पहली चीज दिमाग में क्या आती है? पहली चीज है तो उधर गुस्सा बहुत आता है उनपे, क्योंकि वो पाकिस्तानी पे बहुत जुल्म करते हैं, इसी बात पे कि वो हमें अच्छा नहीं समझते। अच्छा, अच्छा ये बातें आपको किसने बताई हैं, आपने किससे सीखी हैं? बस किससे देखी नहीं है ना किससे सुनी है, बस वैसे ही सामने आ जाए गुस्सा आ जाता ना, जो दिमाग है, दिमाग से कैसे, कहीं तो देखा होगा, मतलब सुना होगा, मतलब कि जो भी होता है ना, कोई होता है दिमाग में अच्छा, दिल में कोई अच्छा लगता है, कोई नहीं लगता अच्छा। हमें इंडिया वाले अच्छे नहीं लगते, इंडिया वाले हमें अच्छा नहीं लगते।
ऐसे तो कोई वजह नहीं ना होती कि एक चीज या एक मुल्क आपको अच्छा ना लगे, कोई तो वजह होगी किसी के अच्छा ना लगने, किसी ने सिखाया हो, पेरेंट्स ने बताया हो, स्कूल आप जाते हो आपकी टीचर ने बताया हो। स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में ये कुरान पाक को नहीं मानते, ये पूजा करते हैं, ये मुसलमानों पे यही तो बात है, हम अल्लाह को मानते हो, ये बुतों को मानते, पता नहीं बुतों में है क्या, हमें तो ये भी नहीं पता बुतों में क्या है, हमें तो इतना पता है अल्लाह ताला सब कुछ है। एक अपना अपना मजहब है ना, हम मजहब की बुनियाद पे किसी के साथ नफरत तो नहीं कर सकते, ऐसा है कि नहीं? जी, ये मुसलमानों पे जुल्म बहुत करते हैं, इसलिए हमको गुस्सा जाता है, तो इनको साल में खत्म, मुसलमान बनना चाहिए, अच्छे लोग बनना चाहिए, कि किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि जितने भी तो जैसे मुंह वैसा चपेड़, ऐसे होते ना, जैसे मुंह वैसी चपेड़, जैसी है जैसा मुंह वैसी चपेड़। अच्छा ठीक हो गया, वो थोड़ा मुजक्कर बोनस का मसला हो गया। अच्छा अब ये मसला ये है कि पाकिस्तानियों ने पहले ग्रीन कार्ड के लिए जो स्कैम किए लड़कियों के साथ, वो तो वर्ल्ड उन्होंने तो तौबा कर ले है भाई, पाकिस्तानी लड़कों का नाम सुनते ही गोरियों को गुस्सा चढ़े, इतनी गोरियों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं इन लड़कों ने, पहले उनको प्यार का झांसा दिया। हमारे मोहल्ले में भी तो एक लड़का ना गोरी से शादी करके लेके आया, पहले तो दो दिन वो गोरी को मतलब के लोग देखने आए, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या किया, शादी के दो महीने बाद उसे तलाक दे दी पाकिस्तान जब उसे लेके आया। डिवोर्स की वजह क्या आती है, उसको वहां की आई थिंक वो जर्मनी से बिलोंग करती थी, उसको वहां की नेशनैलिटी मिल गई और लड़के को बोला कि बस तुम्हारा मेरा साथ इतना ही था, और वो बेचारी रो रही थी। मतलब कि इन लोगों ने अपनी अपनी चलो ठीक है नेशनैलिटी, यार देखो अगर उन्होंने नेशनैलिटी के लिए शादी कर दी है तो आप लोग उसके साथ रहे हो, आपको मोहब्बत भी तो हुई होगी, मियां बीवी हो, चलो जो उस टाइम आपने जो भी सोचा, लेकिन बाद में किसी की जिंदगी बर्बाद तो ना करना। इंसान तो बहुत ही इस दुनिया की खूबसूरत चीज है ना, जिसके पास अक्ल है, खुद को बनाने सवारने का तरीका है, एजुकेशन है, इस पूरी दुनिया में सबसे अगर कोई खूबसूरत चीज है ना तो वो ह्यूमन बींग्स है, वो इंसान है, ठीक है। एक पेट की बात हम कर लेते हैं, जैसे मेरा पेट कोको है, ठीक है, हमने एक पेट रखा, हमें उसकी जुबान समझ नहीं आती है, ठीक है, लेकिन उसका एहसास जो है वो ऐसा है कि हम उससे दूरी नहीं बना सकते। फिर एक इंसान के साथ आप रहते हो, फिर उससे एक वक्त में आप प्यार करते हो, फिर उसके साथ आप रिलेशनशिप में आते हो, आप शादी करते हो, और कैसे आपका कहते हो कि आप गुजारा नहीं है, मतलब कि इतना फ्रॉड, मतलब आप तो इंसान हो ही नहीं फिर के, आपने जिस तरह से अंग्रेज लड़कियों को जिस तरह से यूज किया ग्रीन कार्ड के। अब हिंदुओं की बात कर लेते हैं, बहुत से हिंदू सोशल मीडिया पर, मैंने ऐसी बहुत सी वीडियोस पे रिएक्ट किया है जिन्होंने अंग्रेज से शादी की है, मतलब कि यूरोपियन लड़कियों से शादी की है, अमेरिकन लड़कियों से शादी की है, तो मतलब के जो के हिंदू मतलब के हिंदी या फिर उर्दू नहीं बोल पाती, मैं उन सबको अंग्रेज कह रही हूँ, ठीक है। अच्छा शादी की है, उन्होंने निभाई है, अभी तक चल रही है, और ऐसा कोई भी स्कैम या स्कैंडल सामने नहीं आता, 100 में से 2 केसेस ऐसे आते होंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि जिनके ऊपर बहस की जाए, ठीक है, वो वंस इन अ ब्लू मून वाला सीन हो गया। लेकिन अब ये वीडियो में देख रही थी कि उसको लगा कि ये पहला तो मुसलमान है, उसने गुस्सा किया कि आप मेरा वीडियो क्यों बना रहे हैं, फिर जब उसने कहा कि नो आई एम नॉट मुस्लिम, तो उसने एकदम से उसके एक्सप्रेशन चेंज हुए, उसने उसको हक किया और उसने कहा कि आप मेरा वीडियो बना सकते हो। इतना खौफ फैल चुका है यूरोप के अंदर अबाउट मुस्लिम बॉयज, अबाउट पाकिस्तानी बॉयज, और जब मैं ये देख रही थी वीडियो से मुझे याद। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू।